नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए ताकि हम और भी अप टू डेट आपके लिए ला सकें। जो कि कैंडिडेट्स कल का वेट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, और जो कि पीजीटी संस्कृत टीचर की पोस्टें खुली हुई थी जिसके एग्ज़ाम 14 तारीख को अनाउंस हुए थे, आप उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन सुनेंगे इस वीडियो में, पूरी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है जी। और इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कृपया करके कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे क्योंकि वीडियो स्किप करते ही आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती हैं। अब आप बात कर लेते हैं जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC में पोस्टें खुली हुई थी। HSSC की पोस्टें PGT संस्कृत की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज नंबर 1/2021 के नाम पर खुली थी, PGT संस्कृत की, जो कि कल भी कई कैंडिडेट्स ने कमेंट्स किया है भी सर इसके रिगार्डिंग अपडेट दीजिए, उसके रिगार्डिंग रात को ही नोटिफिकेशन आया है, ठीक है जी। और नोटिफिकेशन कंफर्म होने के बाद वीडियो बनाते हैं, आपको भी पता होगा अभी कोई भी कंफर्मेशन जब तक मेरे को खुद को नहीं होती तब तक वीडियो अपलोड नहीं करते, ठीक है जी। अब वीडियो इसमें कंफर्मेशन कंफर्म हो चुकी है मेरे को, इसमें जो कि आपने अप्लाई किया था 11 फरवरी को 2021 को और लास्ट डेट थी इसकी 9 जुलाई थी, ठीक है जी। और इसका एडमिट कार्ड 7 नवंबर को आए थे, 7 नवंबर को इसके एडमिट कार्ड आए थे जिसका एग्ज़ाम 14 नवंबर को होना था। 14 नवंबर को जो कि 534 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। अब डिस्कस करेंगे भी हुआ क्यों है, किस लिए हुआ है, किस कारण हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो में। कृपया करके वीडियो स्किप ना करें, जो 14 नवंबर को एग्ज़ाम होना था 7 नवंबर को एडमिट कार्ड आ चुके हैं PGT के, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये अपडेट आई है जी, ये आपको पूरी बताएंगे। ये देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जो कि ये LPA नंबर 1928 ऑफ 2019 OMR के रिगार्डिंग था, ठीक है। ये लो थे, लो के केसेस के नाम हैं अलग अलग, किस किस ने केस किया है, कौन कौन सा एडवोकेट था, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी ब्रीफली में, ठीक है। ये आप देख सकते हो हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा का जो मार्का लगा हुआ है, बम वाटर मार्क लगा हुआ है, ये वाटर मार्क किसी के पास नहीं है, ठीक है। हाँ बनाने को कोई भी बना सकता है बट ये ऑफिशियली बना हुआ है, ठीक है। ऑफिशियली इसका आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो कि सिंगल जज एंड ए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट हैज बिन इशूड इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर स्टेटस क्वो पास्ड 12/12/2019 को ये जो कि अनाउंस हुई थी इस एडवर्टाइज की, और इस एडवर्टाइज को 14 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होना डिसाइड हुआ था, जो कि ओपिनियन मैटर पेंडिंग में पड़ा हुआ था कोर्ट में, और उसमें कोर्ट ने इट वाज नॉट जस्टिफाइड ऑन द बिहेव ऑफ द स्टेट, स्टेट के बिहाव पर उन्होंने एक्शन एक्सेप्ट किया है, ठीक है जी। अगर किसी को कोई भी आर्ग्यूमेंट करना हो भी ये पेपर कैंसिल मतलब भी जो कि 1 बेंच मार्क के लिए रिगार्डिंग इसका अनाउंसमेंट थी भी एक एक बेंच पर एक एक कैंडिडेट को बिठा के एग्ज़ाम लिया जाए, उसके रिगार्डिंग जो अपील लगाई गई थी उसके कारण ही ये पेपर कैंसिल आउट हुआ है, और इन्होंने अनाउंस किया है वो ऑफिशियली ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई है भी, जो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है भी कैंसिल क्यों किया एग्ज़ाम या किसी तरह का आर्ग्यूमेंट करना है तो वो 29 नवंबर को आके पेश हो सकता है कोर्ट में, अपनी फाइल लगा सकता है जी, ठीक है। ये देख सकते हो आप जज हैं जो JS संधा वालिया है जज, ठीक है, और विकास सूरी जज है जिन्होंने 3 नवंबर को ये अनाउंसमेंट की थी, ठीक है जी। और भी 29 नवंबर को आप अनाउंस लगा सकते हो भी एक एक बेंच पर एक एक कैंडिडेट को बैठा के एग्ज़ाम लिया जाएगा सिंगल सिंगल पे, उस पर अपील लगाई गई थी भी एक एक पर क्यों इतने ज़्यादा क्यों है, इसके रिगार्डिंग कैंसिल आउट हुआ क्यों हुआ उसका और भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये देखिए ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, जो कि अनाउंस हुई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि PGT का जो रिटर्न टेस्ट था संस्कृत का, PGT संस्कृत का
क्योंकि संस्कृत में और जैसे पहले पैटर्न की तरह होते हैं, इन्होंने नया पैटर्न बनाया था वन बेंच मार्क का, और वो पैटर्न के बिहेव पर किसी ने अपील की है और उस अपील के बिहेव पर जज ने एक्सेप्शन कर ली है भी पुराने पैटर्न पर ही होना चाहिए एग्ज़ाम, जो पहले पैटर्न होता था उसी पैटर्न पर होना चाहिए, उसके कारण ये पेपर एग्ज़ाम कैंसिल आउट हो चुका है, जो कि एडवर्टाइज नंबर 1/2021 है और जो कि 14 नवंबर को एग्ज़ाम होना था इवनिंग सेशन का। एक तो ALM का एग्ज़ाम होना था, वो ALM का एग्ज़ाम की कोई भी कैंसिल आउट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये डेट अनाउंसमेंट हुई थी ALM के एग्ज़ाम की, यानी कि असिस्टेंट लाइनमैन के एग्ज़ाम की, वो मॉर्निंग सेशन में था, सिर्फ इवनिंग सेशन की अभी तक अपडेट आई है, जो कि PGT संस्कृत का था, ठीक है, जिसमें 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होना था, 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होना था, 10 मार्क्स का एक्सपीरियंस और साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया था, ठीक है। इसमें ये एग्ज़ाम 14 नवंबर को जो इवनिंग को होना था, यानी कि मॉर्निंग को तो ALM का था और इवनिंग को PGT संस्कृत का था, PGT संस्कृत का कैंसिल हुआ है, मॉर्निंग वाला एज इट इज है, ये देख सकते हो आप। द एग्जामिनेशन विच वाज हेल्ड टू 14 नवंबर इवनिंग सेशन में जो था, शैल नोट बी हेल्ड इन द व्यू ऑफ अफोर मेंशन ऑर्डर डेट 3/11/2021, जो कि 3/2021 को पास बाय ऑनरेबल पंजाब हरियाणा कोर्ट जज, जो कि अपील नंबर है 1928 आउट ऑफ 2019, ठीक है जी। ये पंचकुला की तरफ से कल अनाउंसमेंट हुई है शाम को, ठीक है, उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया है भी, जो कि पहले पैटर्न पर एग्ज़ाम होते थे, जैसे पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे, गोट ने कहा है उसी तरह उसी पैटर्न में होने चाहिए, जो नया रूल बनाया है वो नेक्स्ट बैच के लिए अगले ईयर के लिए लागू होगा, इसमें नहीं होगा, बट इन्होंने यही लागू किया था भी, ये वन बेंच मार्क का अनाउंस किया था, बट उस पर भी अपील लगाकर ये पेपर कैंसिल आउट हो चुका है। जैसे ही पेपर की और भी अनाउंसमेंट आती है भी कब होगा कैसे होगा उसकी डिटेल बता दूंगा मैं, क्योंकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, किसी फेक वीडियो में मत फंसिएगा भी इस डेट को अनाउंस हुआ है, क्योंकि अभी तक तो आर्ग्यूमेंट की डेट दी है 29 नवंबर, मान लीजिए ये दिसंबर जनवरी से पहले तो एग्ज़ाम होने के कोई चांसेस नहीं है, अपील होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन के बाद ही जो एग्ज़ाम होंगे उसका अनाउंसमेंट जैसे ही HSS की तरफ से होगी तो आपको मेरे इस चैनल पर अप टू डेट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अब अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन बढ़िया है, ठीक है जी। जिनके एग्ज़ाम आने थे 14 नवंबर को थे, से PGT संस्कृत के, उनके कैंसिल आउट हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं जी, ठीक है। और जैसे ही कोई अपडेट आती है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो मैं आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। इस चैनल को अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट सबसे पहले आपको मिल सके, विद कन्फर्मेशन विद प्रूफ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन स्पॉट पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है जी। यही इन्फॉर्मेशन है भी 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने थे वो कैंसिल आउट हो चुके हैं, अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो। जिन जिन कैंडिडेट ने PGT संस्कृत के लिए अप्लाई किया था उनको ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में सब सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन ऑन स्पॉट मिल सके, किसी का टाइम वेस्ट ना हो, किसी का पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप हमारा सहयोग करोगे, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।